जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि संच मान्यता के लिए स्टूडेंट्स के आधार वैलिडेशन का काम शुरू है। बहुत से स्कूल्स का ये काम कंप्लीट भी हुआ है, मगर कुछ स्कूल्स का वर्क अभी पेंडिंग है। तो आज हम जिस अपडेट के साथ आए हैं, वो अपडेट ये है कि बहुत से स्कूल्स की अंतरिम संच मान्यता हो चुकी है, और जिन स्कूल्स की अंतरिम संच मान्यता हो चुकी है, उनके लॉगिन में उसकी डिटेल्स शो हो रही है कि वैलिडेट स्टूडेंट्स कितने हैं और कितने पोस्ट सैंक्शन हुए हैं 2022-23 के लिए। तो उसको कैसे चेक करना है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अंतरिम संच मान्यता को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सरल पोर्टल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे संच मान्यता का एक टैब है, इसको क्लिक कर लेना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये जो है संच मान्यता पोर्टल है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 1 लाख से ज्यादा स्कूल्स हैं महाराष्ट्र के अंदर। उसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं 56,490 स्कूल्स का जो है एंटरिम संच मान्यता 22-23 जो हुई है। इसका मतलब है अंतरिम, यानी ये फाइनल नहीं है। अगर वैलिडेशन का काम 100% कंप्लीट होता है तो उसमें और चेंजेस हो सकते हैं, वरना फिर यही फाइनल भी हो सकती है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये जो है अंतरिम संच मान्यता इन स्कूल्स की कंप्लीट हुई है। 54% जो है वो स्कूल्स की हो चुकी है, और पेंडिंग में अभी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर में जो शो हो रहा है, 48,000 से ज़्यादा स्कूलों का अभी पेंडिंग है। तो इनका भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अब उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे संच मान्यता पोर्टल में स्कूल लॉगिन कर लिया हुआ है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओके कर देते हैं। हमें सिर्फ जो अंतरिम संच मान्यता है उसको चेक करना है। उसके लिए यहाँ पे होम पेज पे ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा SM ओवर स्टेटस, यानी संच मान्यता ओवर स्टेटस। संच मान्यता का स्टेटस क्या है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि संच मान्यता इज ओवर, यानी हमारा जो है संच मान्यता का काम जो है हमारे स्कूल्स की संच मान्यता हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे ओवर शो होगा तो यहाँ पे आप सैंक्शन पोस्ट भी देख सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे लिखा हुआ है संच मान्यता 2022-23, यानी 2022-23 की ये संच मान्यता है। नीचे स्कूल्स का नाम है। अब यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक ईयर 2021-22 का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये इनरोलमेंट, यानी स्टूडेंट कितने थे फर्स्ट टू फिफ्थ में, उसके आगे यहाँ पे है 6 to 8 में, 9 to 10 में और 11-12 यहाँ पे टोटल है लास्ट में। तो ये जो डाटा है, मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, ये जो डाटा है ये 2021-22 का डाटा है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनरोलमेंट 2022-23, यानी ये जो है 30/11/2022, यानी 30 नवंबर 2022 तक जो आपका पट था स्कूल का वो यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे हमारा देख सकते हैं 102 हमारा टोटल पट था, लेकिन यहाँ पे नीचे और एक चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए आधार वेरीफाइड इनरोलमेंट, यानी आधार वेरीफाइड कितने हुए हैं वो डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। यानी आधार वेरीफाइड इनरोलमेंट का मतलब है कि आधार वेरीफाइड कितने हैं वो डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ में 63 काउंट हुए हैं, 6 to 8 में 28 और टोटल 91, यानी यहाँ पे जो है
102 पट है मेरे स्कूल का, लेकिन आधार वेरीफाइड सिर्फ 91 है। उस बेसिस पे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है सैंक्शन टीचिंग पोस्ट 2021-22, ये जो है पिछले साल का सैंक्शन पोस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं, ये जो कॉलम है ये यहाँ पे सैंक्शन टीचिंग पोस्ट 2022-23 यानी 2022-23 की ये संच मान्यता के अंदर सैंक्शन पोस्ट इतने हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेडमास्टर नहीं है, असिस्टेंट हेडमास्टर नहीं है, सुपरवाइज़र नहीं है, और 9 to 10th की क्लासेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। 6 to 8 के अंदर 2 सैंक्शन पोस्ट हैं, और अंडर ग्रेजुएट यानी 1st to 5th में 3 पोस्ट हैं, यानी टोटल 5 पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन है। तो इस तरह से आप भी आपकी संच मान्यता, अंतरिम संच मान्यता है ये, इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है नीचे एक टेबल दिया हुआ है, जो अभी जो यहाँ पे कार्यरत पद है यानी वर्किंग पोस्ट जो हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वर्किंग पोस्ट है, अभी जो वर्किंग में है उसकी डिटेल्स यहाँ पे है 2021-22 का, और ये साइड में जो है वो 2022-23 का जो वर्किंग पोस्ट है वो यहाँ पे है, और सैंक्शन पोस्ट जो है वो यहाँ पे ऊपर दी हुई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।